एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बहजोई में स्थित चिंतनपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 2 किलोमीटर है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने फरजाना को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 8600 की आबादी एवं 2850 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 646 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 485 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 19 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 4 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 381 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसीटाइज रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पंचायत घर, बारात घर, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति, मेरा नाम मुसर्रफ है, गांव चितनपुर, ब्लॉक बहजोई, थाना बहजोई, तहसील चंदोसी, जिला संभल का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में जितना गवर्नमेंट ने मुझे धन दिया, मैंने अपने गांव में सीसी टाइल्स कराई हैं और शौचालय भी मेरे यहां पे लगभग 271 के करीबन बन चुके हैं। ODF में मेरा गांव जाने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर ODF कर दूंगा मैं। 20 या 30 शौचालय और बनने हैं मेरे यहां पे। जो भी गवर्नमेंट मुझे मेरे पास जो धन दिया है, मैंने सब इसमें लगा चुका हूँ। अब मेरे यहाँ पे जो समस्या है, वो समस्या ये आ रही है कि मेरे गांव में कब्रिस्तानों की कमी है, जिसकी बाउंड्री नहीं हुई है, उसमें पानी चल रहा है और घूर डाल रखे हैं। कुछ 2-4 दबंग आदमी हैं, उन लोगों ने घूर डाल रखे हैं, जो पूरा गांव गरीब लोग परेशान है। क्योंकि मेरे यहाँ 80% बगैर ज़मीन वाले भूमिहीन आदमी हैं, जो मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। उनको दफन करने के लिए भी जगह नहीं है। मैंने जो वादा किया था जनता से, वो वादा कर नहीं पा रहा हूँ पूरा, इसलिए कि मेरे पास धन नहीं आ रहा। गवर्नमेंट अगर मुझे धन देगी तो मैं वो वादे पूरे कर दूँ। वो सड़क मेरे यहाँ पे 37 गली कच्ची हैं अभी बाकी। मेरे यहाँ पिछली 20 साल से कोई भी काम नहीं हुआ विकास का। मेरे यहाँ पे 37 गली कच्ची हैं, 2 CC हुई हैं सिर्फ मेरे गाँव में पहले। अब मैं 7 CC करा चुका हूँ जब से मैं प्रधान बना हूँ, और जब से ही मेरे गांव में। और अब भी मेरे यहाँ लगभग इतनी 37 से 7 गलियाँ मैं करा चुका हूँ। 30 गली बाकी रह गई हैं जो कच्ची पड़ी हैं मेरे यहाँ, जो पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है। प्लस मेरे यहाँ कोई बारात घर भी नहीं है, मेरे यहाँ पंचायत घर भी नहीं है। मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है। अगर धन गवर्नमेंट ज़्यादा देगी तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूँगा। मैंने जो वादे किए जनता से, वो वादे मेरे पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए दिल थोड़ा उदास रहता है कि ये प्रधानी का काम अच्छा नहीं लग रहा हमें।